अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का शरबत, जो कि आप लोगों को भी पता है किस तरह से बनता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है और पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं आज दो तरीके से बनाने जा रही हूँ, एक मीठा सत्तू और एक थोड़ा नमकीन सत्तू। और उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन इन्ग्रीडियंट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने पहले सत्तू ली हूँ। ये सत्तू मैं दो ग्लास का बनाने जा रही हूँ। दो ग्लास के हिसाब से मैंने दो चम्मच सत्तू ली हूँ। और ये मीठे सत्तू के लिए मैंने गुड़ ली हूँ। आप गुड़ की बजाय शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको गुड़ नहीं चाहिए तो, या अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। और ये मैंने प्याज ली हूँ, जो कि मैंने आधा कट करी हूँ, जो कि मुझे नमकीन वाला सत्तू बनाने के लिए चाहिए। और ये मैंने नमक टेस्ट के हिसाब से ली हूँ, जितना हमें टेस्ट के हिसाब से चाहिए। और ये मैं पत्ता ये मैंने पान का पत्ता ली हूँ, जो कि हमें मीठा सत्तू बनाने के लिए काम आएगा। और ये रोज़ पेटल है, जो कि हमें इसकी गार्निशिंग के लिए काम आएगा। और ये नमकीन सत्तू के लिए मैंने कोथमीर और पुदीना बारीक कट कर ली हूँ। और ये मैंने चाट मसाला ली हूँ। और ये मैंने दो नींबू ली हूँ, जो कि हमें दोनों सत्तू में काम आएगा। और ये हमने नींबू के स्लाइसेस लिए हैं, जो हमें कट करके गार्निशिंग करना है। और ये मैंने शक्कर ली हूँ। शक्कर मैं अपने ग्लास जो है, मैं ग्लास को जिस तरह से मैं डेकोरेट करूँगी, वो उसके लिए मैंने शक्कर ली हूँ। और जो हमारा ये जो सत्तू है, ये पैकेट का है गणेश चना सत्तू, जो कि पीने में माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है और जो कि बहुत हेल्थी है। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। गाइस, कभी भी सत्तू का शरबत जब भी आप बना रहे हो, अगर आप इंस्टेंटली पीना चाहते हो तो कभी भी ठंडा पानी से ही बनाइए। ठंडे पानी से सत्तू बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो मीडियम पानी, जैसा चाहिए आपको, रूम टेम्परेचर वाला भी पानी ले सकते हैं। मैं अभी आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये एक चम्मच मैंने यहाँ पर ले ली, बराबर क्वांटिटी में लेना है। और ये एक चम्मच यहाँ पर, इतना याद रखिएगा कि चम्मच मिक्स मत करेगा, नहीं तो आपका जो सत्तू है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ये एक चम्मच इसमें डाल दी, ये हम इसमें मिक्स कर दिए। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये मैं नमकीन सत्तू पहला बना रही हूँ। ये नमक मैंने जो ली हूँ, ये टेस्ट के हिसाब से मैंने ली हूँ। आप जितना नमक खाते हैं उसके साथ साथ लीजिएगा। और ये मैंने प्याज ली हूँ, प्याज से भी टेस्ट अच्छा लगता है। और आप चाहें तो मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्ची भी आप ले सकते हैं अगर आपको कट करके डालना है तो। सत्तू के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप भी अगर जानेंगे तो आप भी रोज़ डेली पियेंगे इसको। अगर रोज़ सुबह बासी मुँह भी पीते हैं आप, जैसे यानी निहार मुँह, तो उससे क्या होगा, जो आपका जो पेट का जो पाचन है, यानी जो आपको कभी भी गैस या कुछ भी प्रॉब्लम होती है बदहजमी, उससे ये जल्दी ठीक होता है। और जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं, डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहता है। अब देखिए, मैंने कोथमीर पुदीना भी इसके अंदर ही मिक्स कर दी हूँ। ये पूरा हो गया हमारा। अब मैं ये जो हमने जो नींबू लिए थे, अब ये नींबू मैं इसके अंदर पूरा ही निचोड़ दूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर ज़ीरा पाउडर आता है भूजा हुआ, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं अच्छे से निचोड़ के अब मैं इसके अंदर ठंडा पानी मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से इसको मिला लेना है। देखिए, इसको हमें एकदम अच्छे से मिला लेना है। इसके अंदर जो नमक वमक है जो भी है वो पूरे घुल जाने चाहिए। देखिए, ये हमारा, इसको हम थोड़ा एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा नमक जो है अच्छे से घुल जाए। अब मैं आपको मीठा सत्तू बनाने के तरीका बता रही हूँ, जो मीठा शरबत हम बनाने जा रहे हैं। अब मैं मीठा सत्तू बनाने जा रही हूँ। मीठा सत्तू के लिए मैंने, देखिए, एक चम्मच की क्वांटिटी में ही लेना है। अगर आपका ग्लास इतना बड़ा है तो इतने बड़े चम्मच से आपको एक सत्तू लेना है, यानी एक चम्मच सत्तू लेना है। ये मैंने देखिए इसके अंदर डाल दी हूँ। अब मैं गुड़ इसके अंदर लूँगी। आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से ही लीजिएगा। देखिए, ये मैं इसके अंदर गुड़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो मैंने नींबू ली हूँ, ये नींबू मैं इसके अंदर निचोड़ दूँगी। ये हमें पूरा ही निचोड़ना है। ये हो गया। ये होने के बाद थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि इसका जो टेस्ट थोड़ा बैलेंस हो जाए। एक चुटकी नमक बस, ज़्यादा नहीं लेना है। ये लेने के बाद अब जो मैंने ये जो पान के पत्ते ली थी, इसको मैं बारीक कट करके इसके अंदर
ऐड कर दूंगी इस तरह से। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या तो आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी पूरा। इससे क्या टेस्ट अच्छा आएगा, इसके लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये हो गया। अब ये जो हमारे जो गुलाब के पेटल्स हैं, ये जो अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा जो ये सत्तू का शरबत है उसका रंग अच्छा खिल कर आए। ये हो गया, ये हमने ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी भी मैंने ठंडा ही ली हूँ, ठंडे पानी का ही आप भी यूज़ करिएगा, ठंडे पानी से टेस्ट अच्छा आता है। इसको अभी हम अच्छे से मिला देंगे। इसके अंदर गुड़ है तो उसको तकरीबन एक दो मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप शक्कर का भी यूज़ कर रहे हो तो शक्कर पीस के डालिए, या तो आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए ये, अगर किसी को मोटापा कम करना है या वेट लूज़ कम करना है, यानी वेट लूज़ करना है, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप रोज़ डेली सुबह, अगर 10 दिन भी लगातार इसको रोज़ सुबह एक गिलास पियेंगे निहार मुँह, यानी कि सुबह खाली पेट पियेंगे, तो उससे भी आपका वेट लूज़ होता है जल्दी। अब मैं आपको इसको ग्लास में करके बताती हूँ कि हमारा ये सत्तू का शरबत कैसा बना है। मैं आपको ग्लास का डेकोरेशन करके बताती हूँ। देखिए गाइस, अब मैं ग्लास डेकोरेट करने का तरीका बता रही हूँ आपको। देखिए ये मैंने नींबू ली थी, नींबू लेके इसको मैंने यहाँ साइड से इसको रफ कर दी थी। अब जो ये देखो, ये मीठे सत्तू के लिए मैं कर रही हूँ, आप नमकीन वाले के लिए मत करिएगा ऐसा बिल्कुल भी, जैसे उसका टेस्ट जो है ख़राब आएगा। ये ग्लास को और उसको फ़ौरन ही झटक देना है। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये हो गया। अगर यहाँ से भी थोड़ा कम है, यहाँ पर भी हम थोड़ा लगा देंगे। देखिए ये हमारा अच्छे से देखिए ग्लास में लग गया है। अब जो हमारा मीठा सत्तू है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँ। इसका लुक देखिएगा आप भी, और अपने घर में भी ट्राई करके एक बार पी के देखिएगा बनाकर। देखिए ये हमारा मीठा सत्तू है, ये हमने इसको ऐड कर दिए। अब मैं उसको यहाँ पर नींबू ऐड कर रही हूँ। देखिए ये हमारा डेकोरेट हो गया। एक ये हो गया, और मैं आपको नमकीन वाला सत्तू बताती हूँ। नमकीन सत्तू में आप चाहे तो शक्कर के बजाय जो नमक होता है, नमक का यूज़ कर सकते हैं आप, साइड में जिस तरह से मैंने ये लगाई हूँ। अब मैं आपको नमक ऐड करके बताती हूँ। नमक को भी सेम इसी तरीके से ऐड करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। यहाँ हमें नमक लेना है, नमक अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद जिस तरह से हमने शक्कर वाले में किए हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम ऐसा नींबू से इसके ऊपर रफ़ करेंगे। देखिए ये पूरा हमें रफ़ करना है। रफ़ करने के बाद देखिए इसको अच्छी तरीके से पूरा मिला लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भी मिल गए हैं। अब इसको हम घोल के जो हमारा सत्तू है वो हम इसको अच्छे से मिलाकर अब इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हो गया। अब इसको भी हम यहाँ पर जो है, ये हमने आपको बनाते बनाने के साथ साथ आपको प्रेजेंट करने का तरीका भी बता दिए कि किस तरह से आपको। देखिए माशाल्लाह से हमारा ये बनके रेडी हो गया है। अब मैं आपको उसको इसकी प्लेटिंग करके बताती हूँ। देखिए गाइस, हमारा सत्तू का शरबत बनके रेडी हो गया है, जो कि मैंने दो तरीके से बनाई थी, एक मीठा सत्तू और एक नमकीन सत्तू। आप इसे आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्थी होता है, जो कि बहुत पीने में बहुत टेस्टी भी होता है। आप भी अपने घर में सेम इसी मेथड से एक बार बना के देखिए, आपको 100% पसंद आएगा। और हाँ, प्लीज़ बनाकर ट्राई करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।